नमस्कार दर्शकों, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस ने विदर्भ के दो नेताओं की बत्ती गुल। हाल ही में कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी के दिल्ली मुख्यालय स्थित कमेटी का गठन किया है, जिसमें नाना पटोले और विजय विदिट्टीवार, यह दो बड़े कद्दावर नेताओं को किनारा कर ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। हरीश चौधरी, मानिकम टागोर, मल्लिकार्जुन खड़गे, के सी पड़वे एवं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाड़ा साहेब थुरात इन्हें स्क्रीनिंग कमेटी में नियुक्त किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने अपने विधानसभा उम्मीदवारों की चयन करने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, जिसमें विदर्भ के दो बड़े कद्दावर नेताओं को दरकिनारा कर दिया गया, जिसके चलते विदर्भ के नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार को दरकिनारा कर दिया, जिसके चलते नाना पटोले से फोन पे संपर्क किया तो नाना पटोले की नाराजगी साफ तौर पर देखने मिली। ठीक इसी प्रकार विदर्भ के विजय वडेट्टीवार इनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा, अभी मैं दिल्ली से आया हूँ और अभी फिलहाल मैं अपने विधानसभा क्षेत्र ब्रह्मपुरी जा रहा हूँ, ऐसा कहकर चैनल को कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। दो बड़े कद्दावर नेताओं को दरकिनारा कर कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।